सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे. देखिए, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको हमारे फिजिकम एकेडमी में. देखिए, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है IIT एग्जाम 2023 के लिए, जहाँ पे हम आपको कवर करवा रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, एंड आप सब अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम पे. ठीक है, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जाके जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए हमने शुरू किया था जुलाई के मंथ से. ठीक है, ऑलरेडी हमारा जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, उसके साथ साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके साथ साथ पीरियडिक प्रॉपर्टीज, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC ऑलरेडी खत्म हो चुका है. ठीक है, तो देखिए हम ऑलरेडी हमारे शेड्यूल के अनुसार ही चल रहे हैं. ठीक है, एंड दिस आपका अगस्त मंथ का ऑलरेडी डे चल चुका है, जो जहाँ पे मैं आपको कवर करवा रही हूँ सॉलिड स्टेट. एंड अलग अलग एजुकेटर आप लोगों को और भी बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं. केमिकल बॉन्डिंग भी शुरू हो चुका है. ठीक है, तो अभी तक जो लोगों को नहीं पता, जल्दी जल्दी आके जुड़ जाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक मंथ लेट हो चुके हैं. ठीक है, तो प्लीज़ आके जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपको कवर करवाएंगे पूरे सिलेबस IIT एग्जाम 2023 के लिए. एंड आपको उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप लोगों को नोट्स एज वेल एज असाइनमेंट भी मिल जाएगा. जब हमारा सेप्टेम्बर के मंथ तक जब हमारा कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको असाइनमेंट भी सॉल्व करवाएंगे, उसके साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग है आप लोगों के लिए. तो प्लीज़ अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, एंड आई एम शिवानी हियर. ओके, एंड आई विल टीच यू फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट कवर कर लिए हैं. तो हमारा सॉलिड स्टेट का जो लेक्चर चल रहा था, हमने बीच में बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है उसके. मैं होप कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी दिन आपको गैप्स मिले हैं, उस सब के बीच आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा. तो रिवीजन में कर लिए होंगे, तो फिर चलते हैं बिना देरी किए. ठीक है, ओके. सो मैंने आपको ऑलरेडी वर्ड्स क्या क्या होते हैं उसको बता दिया था. उसके बाद मैंने आपको सिंपल क्यूबिक में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसके बाद मैंने आपको डेंसिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद मैंने आपको रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, तो चलिए फटाफट सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे क्या पढ़ना होगा. ठीक है, आज मैं आपको इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हूँ, एंड जहाँ पे आपको बहुत समझने वाली बहुत चीज़ें हैं. ठीक है, अच्छे से माइंडफुली लेक्चर्स को सुनिए, अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए. एंड होप कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ ही लिखते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अभी. ओके, क्वेश्चन दिया है, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट. ठीक है, हैज ए सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर. ओके, सो व्हाट इज इट्स डेंसिटी? आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, आपको एज लेंथ दे दिया है, एज लेंथ को हमने ए माना था, याद है आप लोगों को? होप कि याद होगा. अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज़ अपना नोट्स रिवाइज करते रहिए साथ साथ, नहीं तो अगर आप ऐसे रिवाइज नहीं करके छोड़ देंगे तो इस सब समझने का या फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा. ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अपना नोट्स हमेशा हमेशा रिवाइज करते रहेगा. ठीक है, ओके, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एज लेंथ, जो कि हमारा दिया है 400 पिकोमीटर. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी क्या होता है. क्या आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, उसके रिगार्डिंग आप करते रहेगा. जेड इफेक्टिव इंटू इफेक्टिव एटोमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव नंबर इंटू एटोमिक वेट या फिर मास, डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एन ए. ठीक है, ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला. और एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है,
अगर मैं ए क्यू जो दिया है यहाँ पे, देखिए पिकोमीटर में दिया है, 1 पिकोमीटर कितना होता है क्या आपको याद है? 10 to the power -12 मीटर होता है, या फिर 10, नहीं सॉरी, ओके इतना ही याद रखिए, 1 पिकोमीटर होता है 10 to the power -12 मीटर। ओके अगर मैं और एक फॉर्मूला आपको दे दूँ, तो जेड इफेक्टिव इंटू मास, एटॉमिक वेट, या फिर मास जो भी आप बोल सकते हैं, ए क्यूब इंटू एन ए इज योर अवोगाड्रोज नंबर इंटू 10 to the power -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके मैं आप ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करके ये दे दिया था। ठीक है, जो लोग हमारे वीडियोस को नहीं देखे प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एंड आपको हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला, तो सिंपली आपको यहाँ पे पुट करनी है। देखिए यहाँ पे एफसीसी भी दे दिया है, एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव होता है 4। ओके ओके सो चलिए, एंड हाँ आपको एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास गिवन है यहाँ पे 60। ठीक है, तो सारे डाटाज आपको गिवन हो गए, तो कैलकुलेट करना शुरू कर लीजिए। मैं यहाँ पे करती हूँ, आप भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव इंटू एटोमिक वेट या फिर मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब जो कि है एज लेंथ का क्यूब इंटू अवोगाड्रोज नंबर इंटू 10 to the power -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पुट कर लेते हैं, जेड इफेक्टिव होता है 4 इंटू एटोमिक वेट दिया है 60 डिवाइडेड बाय हमारे पास एज लेंथ गिवन है 400 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10 to the power -12 मीटर। तो 400 पिकोमीटर क्या होगा, 400 into 10 to the power -12 मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into 10 to the power -10 मीटर। ये हो गया आपका अंगस्टर्म में, 4 अंगस्टर्म, 400 पिकोमीटर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम सिंपली पुट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने ये इसके अकॉर्डिंग डाटा आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी दे ही चुका हूँ, पिकोमीटर, नैनोमीटर ये सब क्या होता है, उसके साथ साथ प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम का कैसे कैसे यूनिट होता है, ये सब मैंने आपको गैस स्टेट में दिखा दिया था ऑलरेडी। लीटर, वॉल्यूम का कैसे कैसे यूनिट्स होते हैं, ये सब मैंने आपको याद है गैस स्टेट में पढ़ाया था सब कुछ। ओके सो ए क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 400 क्यूब इंटू एन इज योर 6.022 into 10 to the power -23 into 10 to the power -30। तो ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू आपके पास आएगा 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके इसको रखा हुआ था, कैलकुलेट करके। ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़, मैंने आपको बोला था एक साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदने के लिए, तो प्लीज़ इसको जाके खरीद लीजिएगा। ठीक है, ओके और एक प्रॉब्लम करें क्या, चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। ये एंड जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता आता है। डेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इजी है भी, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखनी है एंड आपको रेडियस, एटॉमिक मास, ये सारे डाटाज आपको गिवन होंगे, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके, एंड दिस इज लाइक योर, इसमें पॉइंट, इसमें आपका मार्क्स नहीं जाता। ठीक है, नहीं जाना चाहिए एक्चुअली मैं बोलूँ तो, देखिए क्योंकि ये बहुत, एक तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ताकि इजी क्वेश्चन है तो बहुत सारे बच्चे इसको अप्रोच कर पाएंगे, अगर आप इसको मिस कर दें तो आपका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। एक एक रैंक, एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है रैंक के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, जब आपको डाटा गिवन होगा सिर्फ आप वहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड एग्जाम में तो आपको दिया जाता है कैलकुलेटर। ठीक है, ओके सो चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। अभी मैंने आपको रेडियस के लिए सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए, इफ इफ द रेडियस ऑफ एन एटम, द रेडियस ऑफ एन एटम या फिर एलिमेंट इज
75 पिकोमीटर एंड लैटिस टाइप इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. लैटिस टाइप इज सॉरी गाइस. ओके सो आपको अगर लैटिस टाइप दिया होगा बीसीसी टाइप, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एज लेंथ क्या होता है, एज लेंथ क्या होगा ये यूनिट सेल में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. ओके सो बीस चलिए सॉल्व करते हैं इसको. बीसीसी में आपका एज लेंथ हमने लिया था ए, ए विल बी इक्वल टू 4/√3R और आर विल बी इक्वल टू √3/4A बीसीसी में, ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ पुट करना है हमें. ओके ए इज इक्वल टू 4R/√3. 4R दिया है 75 पिकोमीटर. एंड देखिए यहाँ पे पिकोमीटर रेडियस दिया है, तो आपको एज लेंथ भी पिकोमीटर में ही कन्वर्ट करके निकालना होगा, ठीक है. आपको पिकोमीटर का यूनिट चेंज नहीं करना है. पिकोमीटर दिया है तो रेडियस, रेडियस का हमारा यूनिट दिया है पिकोमीटर, तो इसीलिए एज लेंथ का वैल्यू भी हमें पिकोमीटर में ही कैलकुलेट करना है. तो आपको यूनिट में कोई चेंजेस नहीं लाना है, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करना है, ठीक है. ओके 4 × 75 पिकोमीटर/√3, इसका वैल्यू आ जाएगा, √3 का वैल्यू क्या होता है, 4 × 75/√3 √3 का वैल्यू होता है 1.732. इसका क्या आ जाएगा आंसर होगा आपका 173.2 पिकोमीटर, ठीक है. तो ये हुआ आपके पास. और क्या आपको याद है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC कितना होता है? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC कितना होता है कि आपको याद है? 74%. सिंपल क्यूबिक में 52%, ठीक है. तो जाके जो लोग अभी तक रिवाइज नहीं किए प्लीज जाके कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपका IIT एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है. ओके तो चलिए अभी नेक्स्ट. मैंने आपको बोला था मैं आज शुरू करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है. हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हम चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है. इन आयनिक क्रिस्टल्स की जब अगर मैं आयनिक क्रिस्टल की बात करूँ, वहाँ पे आयनिक क्रिस्टल मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे आपका आयन्स. आयन्स आपका दो तरह का होता है, वन टाइप होता है कैटायन एंड दूसरे टाइप होता है एनायन. एनायन इज दैट टाइप ऑफ आयन व्हिच बियर्स नेगेटिव चार्ज. कैटायन इज दैट टाइप ऑफ आयन व्हिच बियर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. कैटायन डेफिशिएंट ऑफ चार्ज होता है, एनायन के पास ज्यादा चार्ज होते हैं, ठीक है. एनायन इज योर नेगेटिव चार्ज एंड कैटायन इज योर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो लोग उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है क्रिस्टल में, तो एक पर्टिकुलर आयन एक दूसरे के ऑपोजिट आयन की सराउंडिंग में रहना पसंद करता है. देखिए मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है, अगर एक कॉर्नर में एक कैटायन रह गया, तो वो कोशिश करेगा कि उसके आसपास सिर्फ अनायन ही आए, ताकि वो अपना चार्ज को न्यूट्रल कर सके. देखिए हमेशा चार्ज चाहते हैं कि उनका चार्ज न्यूट्रल हो, ठीक है. हमेशा चार्ज का ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो न्यूट्रल होके बने रहे, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट नहीं है. न्यूट्रल स्टेट इज द स्टेबल स्टेट. कैटायन एनायन जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को बियर कर रहे हैं, वो एक स्टेबल स्टेट नहीं है, तो इसीलिए वो हमेशा चाहते हैं अपना न्यूट्रलिटी बजाय रखने के लिए, ठीक है. तो जब वो क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे, वो अनायन हो या फिर पॉजिटिव कैटायन हो, तो हमेशा अनायन चाहेगा उसके आसपास कैटायन हो, एंड हमेशा कैटायन चाहेगा उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ अनायन हो, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि देर इज अ टेंडेंसी ऑफ वन टाइप ऑफ चार्ज टू सराउंड आयन्स ऑफ द अपोजिट चार्ज, ठीक है. तो इसीलिए एंड
अनायन का आप सबको पता होगा कि अनायन वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़्यादा होता है, इसीलिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनायन में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका साइज भी बड़ा होता है लेकिन कटायन का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द आयनिक साइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ आयन्स। ठीक है, जब पैकिंग होगा हम वहाँ पे ज्योमेट्रिकली डिफरेंस साइज डिफरेंस को मैटर करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली कंसिडर होगा उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके, काटन इज अज्यूम टू बी स्मॉलर स्मॉलर एंड काटन आपका स्मॉलर साइज में होता है, एंड जो आनायन होगा वो जाएगा, अब अगर सेंटर में एक आनायन रहेगा वो चाहेगा हमेशा उसके आसपास काटन हो, अगर सेंटर में काटन रहेगा तो वो चाहेगा सिर्फ उसके आसपास अनायंस प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ इस तरह। एंड मैक्सिमम केस में आपका सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसके सराउंडिंग सराउंड उसको सराउंड करके अनायन रहते हैं। ठीक है, हमारा दो टाइप का हो सकता है, आइदर काटायन सेंटर में प्रेजेंट होगा अनायन उसको सराउंड करके रखेगा, या फिर अनायन सेंटर में होगा काटायन उसको सराउंड करके रखेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर में रहता है, उसको सराउंड करके बहुत सारे अनायन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अनायन का साइज बड़ा है, अगर अनायन का साइज छोटा किया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अराउंड द कटेन विल बी इंक्रीज। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बड़े बड़े साइज का अनायंस इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एक छोटा सा अनायन सॉरी छोटा सा कटेन बीच में प्रेजेंट है एंड उसको सराउंड करके थ्री बड़े बड़े अनायंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है थ्री, लेकिन अगर यहाँ पे हम अनायन का चार्ज अनायन का सॉरी अनायन का साइज को छोटा थोड़ा छोटा करेंगे तो अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे छोटा कटेन के अराउंड बड़े बड़े अनायंस प्रेजेंट थे तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री था। देखिए, रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाली हूँ आगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए ऐसे कि एक अनायन का साइज अगर बड़ा होता है तो एंड एक दूसरे को टच करके वो मैक्सिमम थ्री कोऑर्डिनेशन नंबर पे ही रह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अनायन का साइज को डिक्रीज करूँ तो उसके आसपास ज़्यादा अनायन प्रेजेंट हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेवन कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, सेवन तो नहीं होता है, हाँ सिक्स आ सकता है। ठीक है, तो होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। और देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियस रेशियो क्यों निकाला जाता है एंड उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ओके, रेडियस रेशियो का रूल ये होता है कि फर्स्ट वन इज योर अनायन एंड काटायन एंड आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स ऑलवेज टचिंग ईच अदर। ठीक है, काटायन एंड अनायन को हम हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर करेंगे जो कि हमेशा एक दूसरे को टच करेगा। मान लीजिए या ऐसे बोल सकते हैं हम, बीच में काटायन रहेगा, काटायन को टच करके अनायन रहेगा, ऐसे करके उसका कोऑर्डिनेशन होगा इन ए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हमेशा एक दूसरे को अनायन एंड कैटायन टच करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे इसी को हम बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैकिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ आपका अनायन एंड कैटायन ऑलवेज सीम टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड ऑलवेज टच ईच अदर। ठीक है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन जब वो एक क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो एक दूसरे को हमेशा टच करके रहेंगे। ठीक है, एंड अनायन जनरली मतलब कोशिश करेगा कि एक दूसरे के जितना करीब हो सके उतना करीब आ पाए, क्योंकि देखिए अनायन है, ये दो अनायन है, मान लीजिए कि ये तो एक पॉजिटिव कटायन बीच में प्रेजेंट है तो इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दूसरे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड ये उसके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन अनायन अनायन जो एक दूसरे को टच करेगा इसका मतलब क्या है, अनायन अनायन एक दूसरे के पॉसिबली क्लोज लाए करेंगे। ठीक है, जितना क्लोज हो सके, मिनिमम डिस्टेंस जितना हो सके,
सॉरी मैक्सिमम जितना हो सके एक दूसरे तक अप्रोच करते रहेंगे, ठीक है। एनाइंस जनरली विल नॉट टच ईच अदर बट मे बी क्लोज इनफ टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर अनन, ठीक है। ओके सो तीसरा पॉइंट ये होगा कि एक अटेंड सोर्स सराउंड इट सेल्फ विथ एज मेनी आयन अनंस एज पॉसिबल। ईच आयन टेंड्स टू सराउंड इट सेल्फ विथ एज मेनी आयन्स ऑफ अपोजिट साइन एज पॉसिबल टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब एक बॉडी इन ए स्टेशनरी स्टेट जो एनर्जी को पजेस करता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्रिस्टल का पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए एनायन एक दूसरे के क्लोजली जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लोज जाके लाए करेंगे, ओके। एंड कोशिश करेंगे कि उनका चार्ज न्यूट्रल होके उनके उनका बीच में एक स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ सके, ठीक है। तो ये तीन होता है रेडियस रेशियो के रूल्स, ठीक है। ओके अब हम देख लेते हैं कि देखिए मिनिमम और मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाऊंगी। और देखिए ये होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेंज ऑफ रेडियस कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर टाइप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए एंड एग्जाम्पल क्या क्या होता है। दिस इज अ स्मॉल चार्ट शोइंग यू द रेडियस रेशियो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 1 के लिए सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से शुरू करेंगे हम। 1 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1 तो अकेला ही रहेगा। 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर दो आटम एक दूसरे को टच करके रहेंगे, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो रेंज ऑफ रेडियस क्या होगा, रेडियस रेशियो मीन्स सिंपली आपका रेडियस रेशियो मीन्स द रेशियो बिटवीन पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। कैटायन का रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए रेंज ऑफ रेडियस होगा 0.0 से आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस 0.155, ठीक है। इसी के अंदर रेडियस का रेंज लाई करेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा लीनियर, मतलब 1D में पार्टिकल्स इससे कंस्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर टाइप कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल को मैं एग्जाम्पल भी नहीं होता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए मैं अगर बात करूं तो रेडियस रेशियो होगा 0.1155 एंड 0.225 के बीच में, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रायंगुलर। ये चार्ट आपको बुक में भी दिया होगा, आप अगर चाहें तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रेडियस रेशियो रेडियस रेशियो विल बी 0.225 एंड 0.414 के अंदर, ठीक है। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर होता है जिंक सल्फाइड टाइप, ठीक है। एंड मैं अगर कम एग्जाम्पल्स की क्या बात करूँ तो उसका हो जाएगा जैसे कि कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेंज ऑफ रेडियस रेशियो होगा 0.414 एंड 0.732 के बीच में, ठीक है। उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑक्टाहेड्रल। एंड इसका स्ट्रक्चर टाइप होता है NaCl। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की बात करूँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.732 टू 1.0, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक होता है सीजियम क्लोराइड टाइप।
इसका और भी हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे कि सीजियम आयोडाइड के, अगर मैं लास्ट कोर्डिनेशन नंबर 12 की बात करूं तो इसका आ जाएगा क्या, आर बाई आर, आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस विल बी इक्वल टू 1.0। ठीक है, इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर एफ सी सी और एच सी पी। ओके, तो ये स्मॉल चार्ट, इसको आपको याद रखना है हमेशा, जैसे कि रेडियस जैसे 0.1155 से 225 तक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन होता है, 225 से लेकर 414 तक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 414 से 0.732 तक ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड 0.732 टू 1.0 तक क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, एंड आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस तक एफ सी सी या फिर एच सी पी होता है। ठीक है, एच सी पी होता है। ओके, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि 1 तक का हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम है 2 एंड मैक्सिमम यहाँ पे गिवन है 12। ठीक है, तो अब हम चल लेते हैं, चलते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे एक क्रिटिकल रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल केसेस में, एक्चुअली में कैसे हम रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, उसको चलिए देख लेते हैं अभी। ओके, आपको कैलकुलेट करना होगा अभी क्या, ट्रायंगुलर कंडीशन के लिए। ठीक है, ट्रायंगुलर कंडीशन के लिए आप लोगों को कैलकुलेट करना है रेडियस रेशियो आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस। ठीक है, तो चलिए ये उसके लिए देख लेते हैं, अभी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, मैं अच्छे से बना लेती हूँ अभी। ठीक है, ये हुआ आपका ट्रायंगुलर कंडीशन जहाँ पे आपका एक ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट है, एंड ये है थ्री एनाइंस जिसके बीच में एक कटेन प्रेजेंट। ठीक है, ये होगा, ये जो कटेन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये होगा उसका सेंटर एंड एनाइन पे ये होगा उसका सेंटर। इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ से एक लाइन खींचेंगे नीचे तक, जो होगा परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन। ठीक है, चलिए नेम लगा देते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, ओके, तो इसी को चलिए अभी शुरू करते हैं। इन द ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं रेडियस रेशियो को, आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस। तो आर प्लस आर माइनस को लेने के लिए हमें यहाँ से वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इन द ट्रायंगल ए बी सी, देखिए मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ आप लोगों के लिए, देखिए अभी एंड ये एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पे एंड यहाँ से एक लाइन नीचे तक खींचूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है ए बी सी, इन दिस ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय, और उसको हम ऐसे बोल सकते, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर एल। ठीक है, ओके, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो बी होता है, बी होगा हमारा आर, रेडियस आर हुआ यहाँ पे, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, बी बाई एच, बी हुआ आपका आर
एंड आर प्लस आर होता है एच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, देखिए ये जो एंगल है, पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे cos 30 मान लूँ, अगर ये आयन एक दूसरे को टच भी करें, ठीक है, हमने मान लिया कि दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस एंगल पर्टिकुलर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी ए सी ट्रायंगल इज योर 30 डिग्री, एंड ए बी सी एंगल इज योर 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी बाई एच, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, इसको उधर मल्टीप्लाई कीजिए जाके, आर प्लस आर विल बी इक्वल टू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, ठीक है। आज कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 विल बी इक्वल टू इन कोणीय नंबर 0.155, ठीक है। ओके, ये हुआ आपका ट्रायंगुलर कंडीशन के लिए रेडियस रेशियो। वैसे ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए, देख लीजिए अभी टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो। मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, टेट्राहेड्रल का पोजीशन कब होता है, जब एक ऊपर एक ट्रायंगल, ऊपर एक एटम प्रेजेंट होता है, नीचे 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो ये पर्टिकुलर जगह अंदर, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो जगह है, उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉल, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में, ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में अगर या फिर मान लीजिए कि हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो मान लीजिए कि इस साइड एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इस साइड और एक दूसरा एटम प्रेजेंट है, ये साइड तीसरा एक एटम प्रेजेंट है, एंड इन तीनों के बीच में एक कैटायन प्रेजेंट है, जिसको हमने टेट्राहेड्रल बॉडी में रखा। यहाँ पे और एक अच्छी तरह से अगर मैं कोणेशन नंबर देखा, तो कोणेशन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये हुआ आपका टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर के लिए, और ऊपर इसके 3 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 एटम के अंदर ये एक छोटा कैटायन प्रेजेंट है, एंड इनके ऊपर और एक एटम प्रेजेंट होगा, ये तीनों के ऊपर ऐसे ऐसे करके एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अभी। ओके, यहाँ पे दिया है, अगर मैं यहाँ पे ने इसका देखिए, इसका डिटेल नोट आपको मिल गया होगा अभी तक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे तीसरा एटम प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी और एक एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि एक कार्टन को रख दिया, ठीक है। ओके, सो इन अगर मैं बात करूँ, एक एटम प्रेजेंट, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर इसी को हम ले रहे हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल को ड्रॉ करते हैं अभी। चलिए इसको याद रख लीजिए, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन होगा आपके पास,
ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि आपको एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। ओके, सिंपली याद रख लीजिए कि टेट्राहेड्रल के लिए आपका रेडियस रेशियो होता है, मतलब रेडियस ऑफ कटेन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनन या फिर आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस विल बी इक्वल टू 0.225। ठीक है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। सिंपल क्यूबिक के लिए मैंने आपको डिराइव कर लिया है, 0.155 होता है। टेट्राहेड्रल के लिए सिर्फ याद रख लीजिए कि आर प्लस या फिर आर रेडियस ऑफ कटेन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन होगा 0.225। ठीक है, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं अगर आपको रेडियस रेशियो के वैल्यू के बारे में बताऊं तो ये होगा 0.414। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए कटेन बाय अनायन होगा 0.414। ठीक है, अब वो देखिए हमारे पास चार टाइप्स का वैल्यू आ गए। एक होगा आपका सिंपल क्यूबिक जो जहाँ पे, या फिर अगर मैं ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो ट्रायंगुलर में आपका, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर में आपका रेडियस रेशियो आता है 0.155। टेट्राहेड्रल में होता है 0.225 एंड ऑक्टाहेड्रल में होता है 0.414। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बीसीसी के बारे में बात करूँ, बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में, बॉडी सेंटर क्यूबिक में होता है आपके पास 0.732 R। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेडियस रेशियो का छोटा सा स्ट्रक्चर या फिर छोटा सा वैल्यू मैंने आपको बता दिया, छोटा सा एक चार्ट मैंने आपको दिखा दिया कैसे होता है। होप कि आप सब अच्छे से बुक से पढ़ेंगे या नोट्स भी पढ़ के रखिए। ठीक है, अगर आप पढ़ लिए तो मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। आयनिक क्रिस्टल के लिए सिंपली आयनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिंक ब्लेंड को हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इनिशियल टाइप ऑफ क्रिस्टल के बारे में बात करूं, इसको हम और एक टाइप से बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप। ठीक है, रेडियस रेशियो को अच्छे से याद रखिएगा, रेडियस रेशियो फॉर द ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन होता है 0.155 होता है इन केस ऑफ ट्रायंगुलर। ठीक है, 0.225 होता है टेट्राहेड्रल के लिए, 0.0 टेट्राहेड्रल के लिए 0.,1 सेकेंड गाइस, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, 0.225 होता है टेट्राहेड्रल के लिए, 0.414 होता है किसके बीच में, ऑक्टाहेड्रल किसके बीच में, ऑक्टाहेड्रल किसके बीच में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल केस के बीच में 0.414 होगा। उसके साथ साथ जब बीसीसी होगा वो होगा 0.432। ओके, तो अगर मैं रॉक सॉल्ट के बारे में बात करूँ तो दिस इज वेरी नोन स्ट्रक्चर एंड इट हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, एक इनिशियल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में वो लोग एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। ठीक है, व्हिच इन व्हिच द सी एल एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स एंड द फेसेस ऑफ द क्यूब, व्हाइल द सोडियम एटम आर प्रेजेंट एट द बॉडी एंड सेंटर ऑफ द एज सेंटर। ठीक है, तो इसका डिटेल जो होगा मैं आपको कल के क्लास में नोट में बता दूंगी। ठीक है, हमने आज क्या क्या डिस्कशन किया, हमने आज रेडियस रेशियो के रूल के बारे में डिस्कस किया, रेडियस रेशियो क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, ओके, आपको अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी इज दैट टाइप व्हिच इज इन
which energy released during the reaction, during the formation of product, जो reaction, जो heat evolve होता है उसी को बोलते हैं lattice energy, या फिर जो infinity में जो दो ions present होगी उनको एक दूसरे के पास ला के उनके बीच में एक attraction को बढ़ाने के लिए जो energy लगता है, जो energy release होता है उसी को हम बोलते हैं lattice energy, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्रिस्टल एंड सॉलिड का स्ट्रक्चर देखने वाले, वैसे ही मैं आपको और भी बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। कल की क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। अगर आपको जो भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बिंदास पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, होप कि आप सब पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस।